क्या चाहिए शरे? जाओ सैंडल पहन। चलो खुद ही खुल जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, आज एक न्यू व्लॉग के साथ। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ ऐसे। मम्मी करीट के दौरान मम्मी नहीं नहीं दोनों एक क्या कर रहे हो? स्पेन कर रहे हो? करो करो, इधर देखो। मजा आ रहा है? क्या है? मशरूम। मशरूम आपको पता है ये मशरूम है? शोरेम डॉल्फिन मॉल से निकलने के बाद मैं गई अपनी फेवरेट जगह PIDC, जहाँ मैं अक्सर जाया करती हूँ। और आज से नहीं, काफ़ी साल पहले से जो है ना, ये जगह मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ की कुल्फ़ी और क्या कहते हैं पिस्ता वाले और क्रंच वाले मुझे बहुत ही पसंद है। फिर उसके बाद हम लोग जहाँ जहाँ कुछ इस तरह से लाइटिंग वगैरह देखी, तो बच्चों ने इंजॉय किया, तस्वीरें ली, वीडियोज़ वगैरह बनाए। तो बस आज का दिन जो है ना हम लोगों ने इसी तरह से गुजारा है। तो उम्मीद करूंगी आज की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माशाल्लाह ये देखिए कितने अच्छे तरीके से राइज हो रहे हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कुछ स्पेशल करूँ शरेम के लिए, काफ़ी टाइम से जो है ना मुझे कह रहा है। तो इंशाल्लाह जो भी स्पेशल करूँगी वो सरप्राइज़ होगा। आप घर आने के बाद मैंने बच्चों को खाना खिलाया और मैंने खुद भी खाया और थोड़ी बहुत साफ़ सफ़ाई भी कर ली। और स्पॉन्ज मैंने आप लोगों को दिखाया, माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से बन चुका है। और शरेम काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मुझे ग्रीन और वाइट वाला जो है ना केक बना के दे दें, तो मैंने सोचा यही इसको सरप्राइज़ कर देती हूँ। तो मैं देखूँगी, मेरे पास केक डेकोरेट के सामान तो जो है ना कम्प्लीट है नहीं, मुझे लेने हैं नोज़ल्स वगैरह जो होते हैं प्रोफेशनल, पैलेट होते हैं, स्क्रैपर वगैरह। लेकिन जो देखती हूँ घर में, जो जो यानी स्पून और नाइफ़ वगैरह जिस चीज़ से मैं सेट कर सकी तो करूँगी। आप लोग देखना, यहाँ देखें मैंने बटर नाइफ़ लिया है, उससे मैं स्प्रेड कर रही हूँ क्रीम को, और साथ साथ मैंने यहाँ चॉकलेट वगैरह ऐड की है। देखते हैं किस तरह से बनेगा घर के सामान के साथ। वैसे इंशाल्लाह अन करीब मैं अपने लिए तमाम बेकिंग का जो सामान है वो ज़रूर लूँगी बेक हाउस से इंशाल्लाह। केक बोर्ड मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से मैंने एक पतीली का जो ढक्कन होता है उसके ऊपर मैंने केक को रखा है। और यहाँ जो है ना मैं इसकी व्हिपिंग कर रही हूँ क्रीम के साथ, थोड़ी बहुत फ्लावर्स वगैरह जो राउंड वाले होते हैं
वो मैं बना रही हूँ अपनी तरफ से, मैंने पूरी जो है ना कोशिश की, अब देखते हैं लास्ट में टेस्ट की तो गारंटी है, टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं बना चुकी हूँ केक, मैं रोज़ाना बनाती हूँ। बाकी जो डिज़ाइन का था उसके लिए नोज़ल्स वगैरह चाहिए जो कि मेरे पास थे ही नहीं, जो जो थे उसी में मैंने अपना काम चला लिया। अब देखते हैं कि इसका फाइनल लुक क्या होता है और शुरेम का क्या रिएक्शन होता है। पसंद आया आपको? अच्छा है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है क्योंकि मेरे पास नोज़ल्स वगैरह नहीं थे तो इस वजह से जो है ना ये शेप्स वगैरह में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है। जब मैं जाऊंगी बेक हाउस तो अपने लिए ले लूँगी कुछ शेप्स वगैरह, ये जैसे तैसे घर में जो जो सामान अवेलेबल था उसी के साथ मैंने इसको थोड़ा बहुत बनाया है। तो अब देखते हैं शरीम को पसंद आता है कि नहीं। अच्छा है, पसंद आया सरप्राइज़?